अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं हूँ शहजाद मेमन। मैं आज आपको लाया हूँ तवक्कल बीफ पुलाव पे। तवक्कल बीफ पुलाव हैदराबाद का मशहूर बीफ पुलाव है। ये कराची में भी आपको मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको किस किस चीज़ें में बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, आइए हम आपको दिखाएंगे। और ये दिन के अंदर तकरीबन पूरे सुबह से लेकर शाम तक 40 से 50 देगें निकल जाती है। आवाम का बड़ा रश है, और किस तरीके से बनाते हैं आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बनाते कैसे, और इसके बाद फिर मैं आपको खाते हुए भी दिखाऊंगा। सही है। और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट ज़रूर देगा। जब तक के लिए चलते हैं, आइए हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे। पहले तो हम माशाल्लाह 12 मसाले डालते हैं। हम 12 मसाले के बाद वही मसाले डलते हैं जो आम पकवानों पे डलते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम मसालों को साबुत नहीं डालते हैं, उनको ग्राइंड करके पीस के डालते हैं। हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। ताज़ा गोश्त डलता है, चावल ताज़ा डलता है भीगा हुआ, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआएँ हैं, कस्टमरों की दुआएँ हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे। कौन सा चावल यूज़ कर रहे हो? चावल हम पंजाब से आता है हमारा चावल, 11-21 एक नंबर चावल होता है। अच्छा, मसाले में और क्या क्या, इसके अलावा मसालों के अलावा क्या क्या डलता है? मसालों के अलावा, 12 मसालों के अलावा, ये गरम मसाला, ये सौंफ धनिया वगैरह के अलावा टमाटर डलता है, पुदीना डलता है, अदरक लहसुन वगैरह ये वो डलता है। इनको सब ग्राइंड करके डालते हैं सब चीज़ों को। तैयार पुलाव के साथ पापड़ी वाला क्या लोचा है तो बताओ? तैयार पुलाव के साथ पापड़ी वाला तो कोई लोचा नहीं है। तैयार पुलाव के साथ रायता होता है और तली हुई प्याज होती है, ये चीज़ें होती हैं बस, और सलाद होती है हमारे पास। अच्छा, ये बताइए कि हैदराबाद का ये मशहूर पुलाव कराची कैसे पहुंच गया? ये कराची ऐसे पहुंच गया कि हैदराबाद में ये पुलाव बहुत अरूज पे थी, तो वहाँ के उस्ताद यहाँ पर आए थे, हमारे जो हमारे ओनर हैं उन्होंने सीखा है वहाँ से। नाम वहाँ का है, जायका हमारा है। बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा बताएंगे? मसाले अच्छे डले हुए, जायका भी अच्छा है इसके अंदर, और बहुत बेहतरीन बनाया है। अच्छा, ये बताइए, ये हैदराबाद का मशहूर पुलाव है जी, हैदराबाद तो जा नहीं सकते थे, कराची में भी तवक्कल वालों ने बोला तो क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त खोला है इधर कराची में, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा जायका है इसके अंदर। अच्छा, ये बताइए, और भी पुलाव वाले मगर तवक्कल की इसी क्या बात है? मसालों की बात है, मसाले अच्छे लगेंगे तो मेरा खाने में खाने में मजा आएगा, मसाले अच्छे डलेंगे तो हाँ उंगलियाँ भी चढ़ जाते हैं भाई। आपको कैसी लगी? मैंने आपको दिखाया और लोगों के कमेंट जो सुनाए, लोगों ने बड़ी तारीफ करी, कोई कोरंगी से कोई लांडी से खाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। ऐसी में है ऐसा क्या जादू, क्योंकि पूरे कराची में और भी बिरयानी है, मगर तवक्कल ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि पूरा कराची उमड़ आया। आइए तवक्कल के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं, वो क्या बताएंगे, उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सब ने सबको पीछे छोड़ दिया तवक्कल ने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताइए कि आपने पूरे कराची की बिरयानी वालों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा क्या जादू कर दिया? असल में मसला ये है कि माशाल्लाह, एक तो अल्लाह अल तवक्कल जो ना एक अल्लाह का नाम है। माशाल्लाह मैंने जब काम स्टार्ट करा था तो मैंने ये सोच के करा था कि मैं अल्लाह के नाम से ये काम स्टार्ट करता हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि माशाल्लाह आज अल तवक्कल पूरे कराची में, कहीं से भी आप पूछे कि भाई अल तवक्कल का आपने पुलाव खाया, तो माशाल्लाह वहाँ पर आपको हमारे व्यूअर्स मिलेंगे कि हाँ जी हम अल तवक्कल का पुलाव खा कर आएँ। और माशाल्लाह हमारी कोई वो नहीं है इसमें, ये सब अल्लाह के काम है। हम भी वही चीज़ डाल रहे हैं जो हर पकवान वाला डालता है, हम भी 12 मसाले यूज़ करते हैं जो पकवान वाले यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह पाक को काम को चलाना होता है, बढ़ाना होता है, जायका डालना होता है, हमारी कोई औकात नहीं है, सब मेरे रब की ज़ात है, सब अल्लाह के काम है। इसमें जायका पैदा करना और इसकी सारी अच्छाइयां जो ना मैं अपने अल्लाह की तरफ वो करता हूँ,
बाकी माशाल्लाह से कराची के अंदर इस वक्त जो ना काफ़ी नाम माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है माशाल्लाह, और बहुत कम टाइम में लोगों को तो माशाल्लाह 20-20, 25-25, 15-15 साल हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमें 2 साल हुए हैं सिर्फ 2 साल में। आप सब दोस्तों को भी दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह कराची से आप पूछेंगे ना सामने तो कोई बोलेगा मैं कोरंगी से आया हुआ हूँ, कोई बोलेगा मैं औरंगी टाउन से आया हुआ हूँ, कोई बोलेगा मैं गुलशन से आया हुआ हूँ। तो माशाल्लाह इस वक्त कराची के अंदर जो ना काफ़ी नाम माशाल्लाह अल-तवक्कल का चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज करेंगे कि अगर वो हमारे चैनल के तवस्सुस आएंगे उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा, और 50 रुपये से लेके 130 रुपये तक की पिलाओ बीफ पिलाओ, यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा। वाकई इस वक्त जो ना कराची के अंदर आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी शॉप पर किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो अक्सर अमूमन चिकन ज़्यादा कराची में जो ना लोग लाइक करते हैं। कोई भी पकवान वाला इस वक्त जो ना 150 रुपये से कम चिकन बिरयानी नहीं देता, लेकिन माशाल्लाह से हम 130 में बीफ, वो भी बीफ, ये समझ लेंगे ये नामुमकिन है। कराची के अंदर इस वक्त 130 रुपये में बीफ पुलाव कोई भी नहीं बेच रहा। तो हमने इस महंगाई को देखते हुए जो इस वक्त हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने जो ना माशाल्लाह से इतने कम रेट रखे हुए हैं कि जो भी आता है वो पेट भरकर खाना खाकर जाता है, दुआ देता है, अल्लाह पाक उस दुआ का जो ना ये सिला देता है। बाकी ये कि आपके तवस्सुल से जो भी कस्टमर यहाँ आए तो इंशाल्लाह उसको मैं पूरा 50-50 उसको कोऑपरेट करूँगा उसके साथ। इंशाल्लाह जो भी मेरा भाई जो भी दोस्त आपके तवस्सुल से आएगा इंशाल्लाह उसको हम इज्जत देंगे, इंशाल्लाह उसको अपने आँखों पर बिठाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कोऑपरेट बहुत करेंगे उसके साथ। जी नाज़रीन, आपने देखा ये तवक्कल के जो ऑनर हैं इन्होंने बताया कि 12 मसाले डालते हैं और धनिया पुदीना अदरक लहसुन ये तमाम चीज़ें डालते हैं, मगर अल्लाह पाक ने इनके हाथ में ऐसा जादू दिया है कि इन्होंने पूरे कराची की बिरयानी वालों को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।